आई डोंट नो मैं कहाँ पर हूँ, बट भाई साहब आंधी चल रही है पिछले आधे घंटे से, बहुत तेज से हवा चल रही है। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, दिस इज योर शशांक एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है एसएम ब्लॉग्स। चार सौ की इसमें कर दो। टाइम हो गया है एग्जैक्ट 3:59, नहीं सॉरी 3:49, और मेरी बाइक चल चुकी है 2.5 किलोमीटर मस्त आराम से। 2.5 किलोमीटर चलाने के बाद पेट्रोल भरवाया और अब यहाँ से कंटिन्यू करूँगा नॉन स्टॉप। मोस्ट प्रॉब्ली 150 किलोमीटर के बाद में जब सिकंदरा राव पड़ेगा 120 आएगा, सो उसके तब जा करके ब्रेक लूँगा, क्योंकि अभी सिस्टम है भैया लॉकडाउन का, 3 दिन का लॉकडाउन है और मुझे मजबूरी में निकलना पड़ रहा है। बाकी का चलते चलते बताएंगे ना कहाँ चल रहे हैं और क्यों चल रहे हैं, क्या मजबूरी थी। हाँ लेडीज एंड जेंटलमैन, जस्ट टुक अ हॉल्ट एक्चुअली जस्ट मुझे पानी पीना था, यहाँ से हैंडपम्प से पानी पिया मैंने, क्यों प्यास यार पता क्या है, सबसे दिक्कत ये होती है कि शाम के टाइम पर वेस्ट की तरफ अगर आप निकलते हो तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि यार सूरज जो होता है ना वो पूरा सर पे आता है, पूरा आँखों में लगती है और प्लस पूरी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। इसी वजह से मैं सुबह मतलब मैं जल्दी नहीं निकल रहा था। अब सोचो पापा कह रहे थे कि दोपहर को 12:30 बजे निकलने के लिए कि इस टाइम पर निकल जा, मेरी क्या हालत हो जाती है। अच्छा वो मैं नहीं निकला, उनकी बात नहीं मानी, मैंने बोला कि मैं निकलूँगा आराम से। और एटा भी यहाँ से लगभग 14-15 किलोमीटर बाकी है, सो लेट्स गो। देखो मुझे नहीं पता कि ये वाला बाईपास, वैसे बाईपास देखो चालू है क्योंकि गाड़ियाँ जा रही हैं, अब चढ़ना कहाँ से ये चीज़ मुझे नहीं पता है। इधर आपका एटा रह जाएगा, ये वाला जो मोस्ट अवेटेड जो बाईपास था एटा का, वो तो भाई साहब चालू हो गया है। अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि इस हाईवे के ऊपर चढ़ने का, और यहाँ से मस्त क्या भाई साहब क्या अच्छा रोड निकलेगा, मतलब फिर मुझे जो अंदर का जो खंडर रोड है उधर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ओ ओ ओ क्या ब्रेकर है क्या? ओके नहीं नहीं ब्रेकर नहीं है। पहले भाई साहब क्या पत्थर हालत थी इन सिटी रोड्स की, और आप देखो क्या चमचमाते हुए रोड बन गए। हाँ बेसिक इसमें 6 साल का टाइम लगा है, 6 से 7 साल का टाइम लगा है ये सारे के सारे रोड्स बनने में, और मैं इनको कितने साल से 7-8 साल से मैं इनको देख भी रहा था कि भैया रोड पता नहीं कब बनेगा कब बनेगा। फाइनली ये हाईवे बन गया है, सिटी रोड की हालत सुधर गई है। यस और मैं फ़ोन से ब्लॉक कर रहा हूँ, सो या यार पता है भूख तो बहुत तेज से लगी है, क्योंकि देखो यार मॉर्निंग में मैंने खाना खाया था ठीक है, जो आई गेस 10-11 बजे के आसपास, उसके बाद से मैंने कुछ भी नहीं खाया है, सीधा भूखा पेट निकला हूँ, और अब भी लग रही है मुझे गंदी वाली भूख। अभी सिस्टम ये है कि अलीगढ़ आ गया हूँ, वैसे ढाबा तो ऑन है, ढाबा सारे के सारे खुले हैं जो हाईवे के रोड के साइड में होते हैं, बोले सारे के सारे ढाबा ओपन है, बट वही चीज़ है यार डर तो डर होता है क्योंकि कोविड-19 का इतना, कोरोना का इतना ज़्यादा सिस्टम ख़राब चल रहा है। तो भैया टाइम हो गया है 7:05 और मैं जस्ट अभी अभी रुका हूँ अलीगढ़ से, आई गेस 10-15 किलोमीटर आगे निकल आया हूँ, और ये है अपना राधिका ढाबा का, मतलब डिसेंट सा देखा, मैंने सोचा कि रोक लेते हैं, भूख वैसे भी लग रही है, और प्लस मुझे ट्रांजिशन करना था क्योंकि ये मुझे चश्मा वगैरह निकाल के रखना था, अब अंधेरा हो गया तो चश्मा लगाने का कोई लॉजिक बनता नहीं है, सो इसीलिए और चाय वाय पियेंगे क्यों भूख तो लगी रही है, सो चाय पी करके फटाफट से निकलेंगे। और देखो चाय तो पी ली है, लेकिन भैया हैंड जो है ना सैनिटाइज करते रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यू नो वेरी वेल कोरोना का क्या सिस्टम चल रहा है, तो इसी वजह से हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करते रहो, और ये लिक्विड वाला है पूरा अपना मस्त आराम से। तो यस अभी टाइम हो गया है भाई साहब 7:18, और अभी मैं सोच रहा हूँ निकल लेता हूँ, चाय पी लिए काफ़ी है अपना।
140.5 किलोमीटर हो गया एंड 728 हो गया टाइम। भाई साहब आंधी चलना चालू हो गई है, आई डोंट नो आप लोगों को वैसे देखेगा नहीं बट बहुत तेज से बादल हो गया है भाई साहब आंधी और बारिश के लिए। चलो निकलते हैं यहाँ से फटाफट से, और ढाबा वॉज गुड। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, आई डोंट नो मैं कहाँ पर हूँ बट भाई साहब आंधी चल रही है पिछले आधे घंटे से, बहुत तेज़ से हवा चल रही है एंड आई डोंट वॉन्ट टू स्टॉप माई बाइक, सो दैट्स वाई मैं बस अपना स्लोली स्लोली वही अपनी 50-60 के बीच की स्पीड से मेनटेन करके लेके चल रहा हूँ। सो यस आई डोंट नो आप लोगों को अभी अंधेरे में दिखाई नहीं देगा बट हाँ आंधी चल रही है, काफ़ी तेज़ है, काफ़ी ही तेज है। बाइक इधर उधर इधर आप ऑटोमेटिकली भाग रही है बट कोई नहीं। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, फाइनली मैं रूम पर पहुंच गया, इट्स 10:51 AM। हाँ मैं 11 बजे नहीं पहुंचा, मैं बेसिकली मैं साढ़े नौ मैं पहुंचा था 9:43 या 9:42 ऐसे कुछ पे मैं पहुंच गया था। और भाई साहब क्या ही सीन था, मतलब ये लगा लो पूरा अलीगढ़ से लेकर के दादरी तक पूरा हाईवे पर मतलब PCR घूम रही हैं, और दादरी के अंदर जैसे घुसा एक इंसान नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल सन्नाटा, सुख सन्नाटा पूरा पड़ा हुआ था। एंड यस चलो कोई बात नहीं, जैसा भी है जो भी है, मेरे लिए पॉजिटिव पॉइंट यह था कि मेरे पास में खुद की बाइक थी, खुद का व्हीकल था, अपना आराम से प्राइवेट व्हीकल में आराम से आ सकते हैं, तो वो आ गया। अभी खाना खाऊंगा क्योंकि भूख लगी है, आपको जैसा पता कि सुबह से कुछ नहीं खाया था, और हाँ बाय द वे जो दूध लेकर आया था वो फट गया, कुछ नहीं कर सकते। चलो अभी जैसा भी है जो भी है, आज की वीडियो ख़त्म करने का टाइम आ गया क्योंकि अभी खाना खा कर मैं मस्त आराम से थोड़ी देर रेस्ट करूँगा क्योंकि थक जाते हैं यार 200-300 किलोमीटर बाइक चलाने के बाद में। सो यस आई विल सी यू ऑल टुमारो और मे बी डे आफ्टर टुमारो। सो यस टिल देन टेक केयर एवरीवन एंड प्लीज़ वियर मास्क, मतलब मास्क पहनो, सैनिटाइज करो अपने हैंड्स को, और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक, मतलब जब तक एकदम अर्जेंट ना हो तब तक घर से बाहर मत निकलो। हाँ आई नो मैं घर से बाहर आया हूँ, मैं PG पर आया हूँ, मैं रूम पर आया हूँ अपने, इसके पीछे एक रीज़न है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि एक्चुअल में क्या रीज़न था, मुझे क्यों मतलब लॉकडाउन में मुझे क्यों घर से बाहर निकलना पड़ा, घर से बाहर आकर के यहाँ पर आना पड़ा, जबकि घर में ज़्यादा सुरक्षित था, वहाँ पर बहुत कम केसेस हैं, और यहाँ पर जहाँ पर ये पूरा मौत का कुआं बना पड़ा यहाँ पर क्यों आना पड़ा। आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल इन नेक्स्ट वीडियो, सो स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, टेक केयर, और अगर अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो एंड वेल आइकन भी कर लेना और लाइक भी कर लेना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय, पीस। Find somebody who loves you, somebody who needs you, somebody who trusts you.